और तुमसे तुम्हारे टाइटल के साथ साथ ये लैंडलाइन की पहचान, ये रिबन, ये भी मैं तुमसे वापस लेता हूँ, समझे? फांगजी कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस अपने घुटनों पे बैठा हुआ था, अपने सर को नीचे किए हुए था, और वो कुछ भी ना हाँ कहा ना ना कहा, बट उसके ऐसे चुप्पी से सब समझ चुके थे कि उन्हें ये पनिशमेंट मंजूर है। फांगजी उसके बाद अपने अंकल की तरफ देखता है, पर उसके अंकल की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फांगजी के सर से उसका वो फॉरेन रिबन ले लिया जाता है, और इसे देखकर फांसी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये फॉरहेड रिबन उसकी पहचान थी, पर आज उसे उसका सब कुछ छीन लिया गया। पर शायद उसे कोई रिग्रेट नहीं था ब्लैक जेट बनने का, क्योंकि उसने ब्लैक जेट बनकर माना कि डार्क एनर्जी का यूज़ किया है, बट उसने इनोसेंट पर्सन्स को कभी हार्म नहीं किया, कभी किल नहीं किया, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन की है, उन्हें बचाया है। उसे टाइटल ब्लैक जेट का भले मिला, वो खुद चाहता था उसे ब्लैक जेट बुलाया जाए, क्योंकि इससे उसकी रियल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं दबी रहेगी, छुपी रहेगी, और किसी और को शक भी नहीं होगा कि ये ब्लैक जेट कौन हो सकता है। पर आज उसे उसके दिल में दर्द होता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता। उसके रिबन को उससे अलग कर लेने के बाद तब अंकल चिरन गुस्से में कहते हैं, इसे 300 कोड़ों की सज़ा मिलेगी। और तब फांगजी तब भी कुछ भी नहीं कहता, और वो चुपचाप वो 300 कोड़े खा लेता है। जो भी ब्लैक जेट को जानते थे, ऐसा तो नहीं था कि ब्लैक जेट किसी से छुपे हुए थे उनके काम, बट किसी को भी कुसु में सिवा लैंड स्टैंड के किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट हाँ नियम तो थे ना, और नियम फांगजी ने तोड़े हैं तो सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। ये बात सब समझ रहा था, बट सबके दिल में कहीं ना कहीं था कि नियम तोड़े तो गए, पर अच्छे काम के लिए तोड़े गए हैं। उन्होंने कभी भी उन शक्तियों का मिसयूज़ नहीं किया, उसे किसी को हर्ट नहीं किया, हार्म नहीं किया, तो फिर आखिर क्यों उन्हें सज़ा मिल रही है, वो भी इतनी बड़ी सज़ा? तो फिर 300 कोड़े खाए जाते फांगजी पर दिए जाते, और 300 कोड़े खाने के बाद कोई कैसे अपने होश में रह सकता है? इसीलिए फांगजी भी बेहोश हो चुका था, वो उसके पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा था। जीवुजुन जल्दी से अपने भाई को उठाकर उसके जिंशी लेकर जाते हैं, हीलर्स को बुलाया जाता है, उसे जल्दी से क्योर किया जाता है। अब इन 3 हफ्तों में जब हमारा विंग बेहोश था, ऐसा नहीं था कि वांगजी बहुत ठीक ठाक था, वो खुद बेहोश था। उसे खुद 3 दिन पहले विंग के उठने से पहले उसे होश आया था, और अभी भी उसके पीठ पर उतने ही स्कार्स हैं। इसका मतलब मैंने अपने ही प्यार को हर्ट कर दिया। विंग तुमने बहुत गलत किया मेरे बच्चे, वो हम सबको बस प्रोटेक्ट कर रहा था, उसने तुम्हारे लिए हमारे लिए अपनी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज होने दी, ये जानते हुए कि अगर ये उसके अंकल को पता चलेगी तो उसके साथ क्या होगा। उसे सब कुछ पहले से पता था, बट फिर भी उसने ये सब कुछ होने दिया। विंग तुमने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, तुम्हें पता है हम तुम्हारी माँ हम दोनों यहाँ नहीं थे, क्योंकि ये सब कुछ हो जाने के बाद हमें वीकलैंड जाना पड़ा कुछ काम की वजह से, और हम अभी ही वापस आए, और तब हमें पता चला कि तुमने क्या किया। एक पल भी तुमने उसकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा, वो तुमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये सुनना तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा कि तुमने क्या किया। विंग अगर आज फांगजी को कुछ भी होता है तो तुम अपनी माँ अपने बाबा का दोबारा कभी शक्ल भी नहीं देखोगे। मैं तुम्हें खुद अपनी ही जेल में बंद करके रखूँगा, समझे? और वह गुस्से से विंग को देखते हैं और फिर हट जाते हैं उसके पास से। विंग अपने घुटनों पे बैठकर बहुत तेज से रोने लगता है। एक पल में ही उसकी दुनिया मानो अलग ही हो गई थी, अनजान सी हो गई थी। आज सब उससे नफरत करने लगे थे उसके एक्शन की वजह से, पर यह सब कुछ उसी की गलती थी। किसने कहा था इतना ज़्यादा गुस्से में आने के? उसने इतना सब कुछ हर्ट कर दिया जिसे वो चीख चीख के कहता है वो उसका प्यार है। ये कैसा प्यार है मेरा? विंग अपने मन में सोचता है
ये कैसा प्यार है कि मैं अपने ही हस्बैंड को, अपनी अल्फा को इतना हर्ट कैसे कर सकता हूँ। सच में बाबा आपने सही कहा, अगर आज मेरे अल्फा को कुछ भी होता है तो शायद मैं ज़िंदा खुद भी नहीं रहूँगा, खुद भी जीना नहीं चाहूँगा। अब मैं खुद कांगजी के पीछे वहाँ जाऊँगा जहाँ वो जा रहा है, उसे वहीं माफ़ी मांगूँगा, पर मैं कभी भी उसके बिना नहीं जीऊँगा। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मान चुका हूँ कि मेरी गलती थी। और वो ऐसे कहकर बहुत बुरी तरीके से फिर से रोने लगता है। और फिर 3 घंटे बीत चुके थे पर अभी भी हीलर्स बाहर नहीं आए थे। सबके दिल घबरा रहे थे, ऐसा क्यों? सबको लग रहा था कि कुछ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी खबर आने वाली है जो शायद नहीं आनी चाहिए। विंग का भी रो रोकर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, पर उसे चुप कराने से शांत कराने कोई आगे ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, वो कैसे शांत कराए खुद को, विंग को या किसी और को, क्योंकि सब सबकी नज़र बस अभी गेट पे थी कि हीलर्स जल्दी से गेट खोले और हमें बताए कि हमारे किंग, हमारे हैंगविंग जुन कैसे हैं, क्या वो ठीक भी हैं या नहीं, या नहीं। सब चिंतित थे, परेशान थे, घबराए हुए थे, सब बेचैन थे। और जब 5 घंटे बाद अब हमारे हीलर्स उस जिनशी का गेट ओपन करते हैं, विंग जल्दी से उनके पास जाता है, उन्हें पकड़ते हुए कहता है क्या वो ठीक है। सब भी उसके पास आते और सब हीलर का जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। हीलर्स एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं हाँ, हमने उनकी जान बचा ली है, बट उनका बहुत ही ज़्यादा खून कम हो चुका है और इसीलिए उनकी कल्टीवेशन पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, उनकी गोल्डन कोर वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। हम नहीं जानते कि उनकी इस ताकत से वो कितने दिन जिंदा खुद को रख सकते हैं, हम नहीं जानते। उनकी बॉडी ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स करना बंद कर चुकी है, अगर कुछ ऐसी हालत कुछ दिन और रही तो हम नहीं जानते क्या होगा, पर अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, अभी वो स्टेबल है। जब वो जल्दी से उनके पास, हीलर के पास आते कहते तो आप मेरा खून ले लीजिए, मेरे भाई को उसे दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तब फिर हीलर्स कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप प्योर ब्लडेड इंसान हैं, और वो उनके खून में प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी और डार्क एनर्जी दोनों सर्वाइव कर रही हैं, दोनों बह रही हैं, इसीलिए हम किसी ऐसे पर्सन के खून को यूज़ नहीं कर सकते जो प्योर वाइट स्पिरिचुअल एनर्जी का कल्टिवेट करता है, हम उनके इस खून से जान नहीं बचा सकते हैं पूरी तरीके से, तो आप मेरा ले लीजिए, मैं तो डार्क एनर्जी कल्टिवेट करता हूँ। राजकुमार भी, मैंने वही तो कहा, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो दोनों ही एनर्जीज को कल्टिवेट करता है, उसी का ब्लड हम उन्हें दे सकते हैं, बट केवल टेम्पोरी काम के लिए, वरना उन्हें खुद रिस्पॉन्स देना होगा, खुद को ठीक करना होगा, क्योंकि उनकी इंजरीज बहुत ही ज़्यादा है, हम तो सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद वो ज़िंदा कैसे हैं, हम खुद हैरान हैं, बट हमें ऐसा पर्सन ढूंढना होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और तभी एक पर्सन वहाँ आता है और कहता है मैं दे सकता हूँ मेरे मास्टर को ब्लड। सब उस पर्सन की तरफ मुड़ते हैं और तब वो पर्सन हीलर को बो करता है, कहता है मैं शुयांग हूँ, ब्लैक जेट का जनरल, उनका फर्स्ट कमांडो, मैं दोनों ही एनर्जीज कल्टिवेट करता हूँ बिल्कुल उनकी तरह, मेरी गोल्डन कोर इतनी स्ट्रांग तो नहीं, बट हाँ मेरी ब्लड से आपको जो भी चाहिए आप उन्हें दे सकते हैं। पर क्या आपका ब्लड? हाँ मेरा ब्लड बिल्कुल ठीक है, मुझे हाल फिलहाल में कोई बीमारी कुछ भी नहीं हुई थी, इसीलिए मेरा ब्लड आप उन्हें दे सकते हैं। तब हीलर वापस से शुयांग को ले जाकर गेट बंद कर देते हैं और सब परेशान था कि अब क्या होगा। फिर आधे घंटे बाद शुयांग बाहर आता है, हीलर कहते हैं कि अब उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, बट हाँ वो शुयांग से कहते हैं कि आपको समय समय पर आकर उन्हें ब्लड देना होगा, क्योंकि उनका हार्ट अभी इतना
सफिशेंट अमाउंट में ब्लड उनके लिए बना नहीं पा रहा। उनकी बॉडी, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी, उनकी कल्टीवेशन पावर्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। इसी लैब को समय समय पर उन्हें ब्लड देना होगा। वो हमारे क्लान लीडर लान की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, क्लान लीडर लान, उनका ध्यान रखिए, केवल यही एक पर्सन है जो आपके भाई को, हमारे किंग को बचा सकते हैं। इनका ध्यान रखिए और इन्हें प्रॉपर खाना और आराम दीजिए ताकि ये अच्छे से ठीक रहें, तो क्योंकि अभी हमारे किंग को बहुत ही ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। और फिर वो कहकर वापस से अंदर चले जाते हैं। जब वो उनको सर्वेंट को इशारा करते हैं और वो सर्वेंट शुयांग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अभी भी सब चुप थे, खामोश थे, और अब बस इंतज़ार था तो हीलर उन्हें परमिशन दे एक बार, बस एक बार हमारे किंग को, हमारे बांगजी को, हमारे लंजा को, मेरे भाई को देखने की। हमारे जीवजन के मन में बस यही चल रहा था, उन्हें बस अब कुछ चाहिए ही नहीं था, बस बस उन्हें अपना भाई ठीक ठाक चाहिए था वापस से। उसके भाई कोल्ड रूड एक्सप्रेशंस उन्हें देखने थे, अब उन्हें बस यही चाहिए था। वो उनकी हर एक सच्चाई को एक्सेप्ट करने को तैयार थे कि उनका भाई ही ब्लैक कल्टिवेटर है, ब्लैक जेड है। वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते, उसे भी एक्सेप्ट कर देते, उसका लैंड क्लान का रिबन वो वापस उसे दे देते। बट प्लीज़ उसे कुछ मत होने दीजिएगा, वो बस गॉड से यही प्रे कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। सब लैंड क्लान के लोग अपने किंग को, अपने क्लान लीडर को रोते हुए देख रहे थे। उन्हें संभालना चाहते थे बट शायद वो उन्हें कैसे संभालते, क्या कहते, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके किंग, उनके हंगवेंग जुन सच में ठीक हो पाएंगे भी या नहीं। एक घंटे बाद फिर हीलर बाहर आते हैं और कहते हैं कि क्लान लीडर लान, आप उनसे मिल सकते हैं, अभी उन्हें होश तो नहीं आया है पर शायद वो आपकी बातें सुन ले, शायद वो आपकी बातें सुनकर अपने आप को अंदर से ठीक करने की कोशिश, उनके मन में जीने की इच्छा वापस से जागे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद हम उन्हें बचा भी नहीं पाएंगे। अभी तो वो स्टेबल है बट कुछ भी हो सकता है, उनकी इंजरीज बहुत ही ज़्यादा है। शिवजन हाँ कहते हैं और वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं। और हीलर कहते हैं, ठीक है ग्रैंड मास्टर जिरेन, आप भी अंदर जा सकते हैं, बट हाँ ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा उन्हें हार्डली, उनके हैंड्स को होल्ड ना करिए, उन्हें टच मत कीजिए, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कट्स हैं, हमने पट्टियाँ बांधी हैं, बट शायद आपको उन्हें से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और हाँ, एक साथ केवल दो लोग ही अंदर जा सकते हैं, आप ज़्यादा भीड़ मत करिएगा वहाँ। और वैसा कहकर कुछ जड़ी बूटियों का पेस्ट, कुछ हर्ब्स लाने के लिए वहाँ से अंकल चिरान का परमिशन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सिचन और चिरन अंदर जाते हैं, वो अपने भाई को, अपने नफियों को, वो दोनों ऐसे देखकर उनका दिल मानो कांप गया था। बांजी पूरे वाइट रोप्स में से जैसे कवर रहता है, आज उसकी बॉडी पे बहुत ही सारा पट्टियाँ बंधा हुआ है, ऊपर से नीचे वो फुल्ली कवर्ड है। वो अपने आप को इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे कि उनसे ज़्यादा हेल्पलेस कभी पर्सन किसी ने देखा भी नहीं होगा। हमारे सिचन धीरे से अपने भाई के पास बैठते हैं, उनके पैर हाथ पूरे शेक कर रहे थे, वो खुद ट्रम्बलिंग कर रहे थे। वो अपने भाई को हैंड्स को होल्ड करते हैं, उसे सॉफ्टली पैट करते हुए कहते हैं, उठो चलो, देखो देखो तुम्हारे सिचन गया है, देखो मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, कि मैं जानता हूँ कि तुम केवल मजाक कर रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम मेरे पास वापस आओगे, वरना मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखूँगा, समझे भांग जी। तुमने तो कहा था ना कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे कुसु पे ध्यान देने के लिए, और तुम हमेशा मेरी केयर करोगे ना, चलो उठ जाओ। देखो भांग जी, अगर तुमने खुद को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया उठने के लिए, मैं तुमसे सच में नाराज़ हो जाऊँगा भांग जी, चलो उठ जाओ भांग जी, भांग जी प्लीज़ उठ जाओ भांग जी, ऐसा मत करो प्लीज़, तुम्हारी ये खामोशी हमेशा मुझे कंफर्टेबल फील कराती थी, बट आज ये खामोशी मेरी जान ले रही है भांग जी, प्लीज़ तुमने ऐसा क्यों किया भांग जी, प्लीज़ भांग जी बेकअप भांग जी, प्लीज़ अपने आप को फोर्स करो उठने के लिए, अपने गगा के लिए, अपने अंकल के लिए, देखो उनकी आंखों में आंसू हैं, भांग जी देखो पहली बार अंकल रो रहे हैं, भांग जी प्लीज़ उठ जाओ, ऐसा मत करो भांग जी, हमारे साथ
माँ जी तुम जो कहोगे हम सब एक्सेप्ट करेंगे। तुम चाहते हो हायर कल्टीवेशन करो, तुम ब्लैक जेट बने रहो, ठीक है ठीक है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं वांग जी, पर प्लीज़ उठ जाओ यहाँ तक कि मैं तुम्हें तुम्हारा फॉरेन रिबन भी दे दूँगा वांग जी। वांग जी प्लीज़ मेरे भाई उठ जाओ, प्लीज़ वांग जी उठ जाओ, ऐसा ऐसा मत करो। देखो देखो तुम्हारे सिचन का तुमसे नाराज़ हो जाएंगे वांग जी, प्लीज़ उठ जाओ वांग जी। और ऐसा क्या लैन वन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगते हैं। अंकल चिरन उन्हें संभालते हैं और उन्हें वांग जी से दूर कर बाहर लेकर आते हैं। लैन सिचन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी और तब यानली अंकल चिरन की हेल्प करते हैं और वो तो तीनों ही वहाँ से हमारे सिचन के हांशी की तरफ चले जाते हैं। अब वहाँ पर बस जियांग फेमिया, जियांग चेन, जिंग हमारे वी, नी होसांग और नी मिंजे थे। नी मिंजे और नी होसांग अंदर जाते हैं, वो भी वांगजी के बहुत ज़्यादा करीब थे। नी मिंजे तो वांगजी को बिल्कुल नी होसांग की तरह प्यार करता था, उसे ट्रीट करता था, वो वांगजी के हैंड्स को होल्ड करता है। नी मिंजे हालांकि अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस नहीं करता, सब उसे एक कोल्ड पर्सन की तरह जानते हैं जो एकदम क्रूअल है। बट आज उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे वांगजी को इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में देखकर। वो उसके हैंड को धीरे से होल्ड करता है और गुस्से से कहता है, मैं उस विभूषियान को छोड़ूंगा नहीं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करने की, एक बार तुम होश में आ जाओ उसके बाद मैं वी क्लैन को तो संभाल ही लूँगा। मेरे पास इतनी बड़ी तो सेना है ही कि मैं अकेले वी क्लैन से लड़ सकता हूँ, और उस वी क्लैन को, उस विभूषियान को तुम्हारे लिए सब कुछ पे करना होगा। वो गुस्से में वांगजी का हाथ टाइटली दबाने ही वाले थे। नी होसांग जल्दी से अपने गगा को रोकता, कहता गगा प्लीज़, उसके हैंड्स में चोट लगी है, प्लीज़ स्टॉप, और वो खींच कर उन्हें वहाँ से लेकर जाता है। और अब यहाँ पर जियांग फेंगमिया और हमारा जियांग चेन भी अंदर आते हैं। वो भी वांगजी की कंडीशन को देख कर एक बार सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और बिना कुछ कहे वहाँ से तो जियांग चेन चला ही जाता है। वो ऐसी कंडीशन में वांगजी को देख ही नहीं पाया। और जियांग फेंगमिया उसके पास धीरे से आते हैं, उसके हैंड्स को पैटिंग करते हैं और प्यार से ऐसे कहते हैं मानो वो सुन रहा हो, कहते हैं तुम फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ ठीक हो जाएगा, बस एक बार तुम उठ जाओ समझे, और तुम्हारे वीन को कोई कुछ नहीं करेगा, सब समझते हैं कि उसमें वीन की गलती है, बट ये तो तुम भी जानते हो ना कि उसने क्या गलत किया। तुम भी अपने पेरेंट्स के बदला लेने के लिए ब्लैक जेड बने, तुमने उस पंचाओ और उस वैन रूहान को ख़त्म कर दिया अपने पेरेंट्स के बदले लेने के लिए ना, जब तुम कर सकते हो तो वी क्यों नहीं। और वैसे भी गलती तो हमारी भी है, कहीं ना कहीं जानते हुए भी हमने मना किया, हमने नहीं बताया उसे। सबसे पहले तुम्हें उसके सामने लाने से अच्छा था कि हम उसके पहले सामने आते, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। और वो ऐसा कहकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और अब आखिरी में केवल विंग बचता है। और जब वहाँ सर्वेंट्स कहती हैं कि राजकुमार वे आप भी उनसे पर मिल लीजिए, उसके बाद उन्हें रेस्ट करना होगा और हम वैद्य आने के बाद उनसे फिर कोई नहीं मिल पाएगा। विंग विंग धीरे से अंदर जाता है, उसकी पूरी बॉडी ट्रम्बलिंग कर रही थी, शिवर कर रही थी, वो प्रॉपरली मानो चल भी नहीं पाएगा, वो अभी गिर जाएगा, उसकी हालत ऐसी हो गई थी। वो अपनी लज्जा को जब देखता है एंटर करते हुए, वो वहीं गिर जाता है और वो वहीं रोने लगता है। उसका उसका प्यार, उसका लंजा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा एलिगेंट है उस, और आज आज उसका लंजा पूरे पट्टियों से खून से कवर्ड है। आज उसकी उसकी लंजा की ये सब हालत उसने की, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। वो भाग कर अपने कमरे में आ जाता है और वो वहाँ अपने बेड पर वापस गिर जाता है और वो वहाँ बहुत ही बुरी से रोने लगता है। आई और जिया उसके पास आती हैं, उन्हें उसे वो संभालते हुए कहती है, राजकुमार वी, आई जिया को एकदम टाइटली हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, तुम देखा लज्जा को, वो पूरा कवर्ड है, पूरा खून से कवर्ड है, पूरा पट्टियों से कवर्ड है, तुम पता है उसका उसका उसकी जो ब्यूटीफुल लिप्स हैं वो एकदम पेल हो गए हैं, वो उसकी पूरी बॉडी, नहीं ये सब कुछ मैंने किया, ऐसा मैंने क्यों किया,
वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था, इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था कि वो सांसें भी नहीं ले पा रहा था। वो एकदम स्टबनली वो जिद करते हुए आई और जैसे कहते आई आई जिया प्लीज़ प्लीज़ मुझे ख़त्म कर दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मेरी वजह से मेरा लंच इस हालत में है, मैं जिंदा क्यों रहूँ। मैंने अपनी अल्फा को ऐसी जगह लगे खड़ा कर दिया कि अगर थोड़ा सा भी देर होगा तो उसकी जान चली जाएगी। वो रोने लगता है। आई जिया उसे शांत करती हैं, उसे उसकी मेडिसिन देकर फोर्सफुली सुला देती हैं और उस मेडिसिन में उन्होंने नींद की दवा भी मिलाई थी, इसलिए विंग खाते ही सो जाता है। उन्हें पता है अभी उनके राजकुमार को सबसे ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है, वरना वो खुद को कुछ कर बैठेंगे। और फिर वहाँ से आई और जिया उनके पास वहाँ से चली जाती है और वो सीधे यहाँ से हमारे जंग फैम के पास आती है। वो उन्हें विंग की कंडीशन बताती हैं क्योंकि अभी भी यांग और उसकी माँ विंग से बात करने को तैयार ही नहीं थे, वो अपने बेटे से बात करने को रेडी नहीं थे। इसीलिए जियांग फेमिया ने कहा था आई और जिया से विंग का ध्यान रखने को और कोई भी विंग के लिए बात हो या कुछ भी हो तो उससे सबसे पहले आके बताने को। तो जियांग फेमिया कहता है ठीक है उसका तुम दोनों ध्यान रखो, मैं एक बार यांग और चिरान से मिलकर आता हूँ, उनके पास जाता हूँ, अभी उसे मेरी ज़रूरत होगी। और वो वहाँ से यांग के पास जाते हैं। यांग की भी कंडीशन कुछ डिफरेंट नहीं थी अपने बेटे से, उनकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो और उनकी वाइफ दोनों ही एकदम मानो सदमे में थे। वो जब भांगजी को उन्होंने ऐसे देखा था विंग के जाने के बाद, उनकी हालत ख़राब हो गई थी, उनके पैर एकदम कांप रहे थे, शेक कर रहे थे। और वो दोनों ही बाहर आकर वापस से उसी जगह खड़े हो जाते एकदम शॉक, एकदम भूत बनकर। और तब चिरा वहाँ फेंग में आते हैं, वो उन दोनों को संभालते हैं। और वहाँ मैडम यू भी हमारी क्वीन को संभाल रही थी, हमारे वी क्लैन की लीडर की वाइफ को। और तब वो सब वापस से चिरान के पास जाते हैं क्योंकि अभी उन्हें वहाँ होना चाहिए सिचैन के पास। वो सब देख रहे थे कि कैसे एक गलत फहमी की वजह से आज पूरा लाइन क्लैन सफ़र कर रहा है, उसके दोनों ही राजकुमार, वहाँ के प्रिंस, वहाँ के किंग, वहाँ का ग्रैंड मास्टर सब सफ़र कर रहे हैं, सब कोई सफ़र कर रहा है। और ये देख देख कर यांग के दिल में और भी ज़्यादा दर्द बैठ रहा था, ये सब कुछ उसके बेटे ने क्या कर दिया, उसने इस हंसते खेलते परिवार को एकदम ख़त्म करने के मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। वो रिग्रेट कर रहा था कि आखिर क्यों उसने अपने बेटे को यहाँ आने दिया, आखिर वो आने नहीं देता तो सब कुछ नहीं होता। वो वहाँ से चुपचाप अपनी वाइफ को पकड़ता है उसके हाथ को और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला आता है। सिचैन की हालत में अब सुधार तो नहीं आया था, बट हाँ अभी उसे मेडिसिन देकर उसे सुला दिया गया था। चिरान भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है और वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स भी यांग फेमिया को उसके कमरे में वापस छोड़ देते हैं। आज की रात कोसो के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी थी, आज किसी को भी आसानी से नींद आने ही वाली नहीं थी। कुछ ने तो दवाइयों का सहारा लिया, कुछ ने सोना डिसाइड ही नहीं किया और कुछ गुस्से में थे, दर्द में थे और प्रे कर रहे थे कि बस भांगजी ठीक हो जाए।